तो इस वीडियो में सारे लिपस्टिक के हैंड्स वॉचेज होने वाले हैं एज वेल एज लिप्स वॉचेज होने वाले हैं लिप्स वॉचेज मैंने दोनों किए हैं बेयर फेस पे भी एंड विद मेकअप ऑल्सो ताकि आप लोग देख पाओ की पिगमेंटेशन और जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है लिप्स के अराउंड उसके साथ ये लिपस्टिक के शेड्स कैसे लगते हैं एंड विद मेकअप जबकि ये सब कुछ कंसील हो चुका होता है तो ये शेड कैसे लगता है हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू येट एन अदर वीडियो आई होप यू आर आर डूइंग फाइन एंड आप लोग टाइटल से तो पढ़ ही चुके हो कि आज का वीडियो क्या होने वाला है जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था काफ़ी सारा फेस्टिव कंटेंट आने वाला है तो आज मैंने आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बनाई है विच इज़ लिपस्टिक्स स्वॉचेस एंड मैंने इससे पहले भी वीडियोस की हुई हैं तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो बट आज का वीडियो होने वाला है स्पेशली फेस्टिव लिपस्टिक कलेक्शन तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रेंज रखा हुआ है फ्रॉम वेरी अफोर्डेबल टू मिड रेंज हाई एंड पे तभी मैं खुद भी नहीं पहुंची बट यस आई हैव अ लॉर ऑफ वेराइटी फ्रॉम वेरी डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड्स टू पिंक्स टू बर्गंडीज टू वाइन ऐसा बहुत सारे कलर्स हैं जो कि फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है नॉट ओनली फेस्टिव अभी तो वेडिंग सीजन आने वाला है उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है एंड ये ऑल्सो इस वीडियो में गिव अवे होने वाला है तो आप लोग वीडियो जरूर एंड तक देखना टू तो नो ऑल द रूल्स एंड इससे पिछली वीडियो में भी गिव अवे था वो भी मैं लिंक कर दूंगी आप लोग चेकआउट कर सकते हो जस्ट इन केस सो येस इफ यू इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड एंड इफ यू न्यू

ऑन द डीपर साइड ऑफ स्किन टोन तो भी ये कलर आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है एंड आई डोंट लाइक पिंक्स अलॉट बट ये वाला मेरे स्किन टोन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है सो so, so, जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है ब्लू हेवन की अगेन काफ़ी ज़्यादा ब्लू हेवन के लिपस्टिक्स सस्ती हैं एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल मुझे ये फ्री भी मिली थी जब मैंने अपने लिपस्टिक्स वगैरह ऑर्डर करी थी बट आई एम इन लव विद द शेड पहले तो आप शेड देखो कितना सुंदर है दिस इज द शेड काफी ज्यादा ऐसा ब्लड रेड हल्के से पिंकिश ऑरेंजिश टाइप के हिंट है अगर आप इसमें भी देखोगे तो वो मतलब हल्का हल्का पिंकिश ऑरेंजिश वाला अंडरटोन्स हैं इस लिपस्टिक के ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है लिप्स पे एंड ये जैसा कि इसका नाम है हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड मैट लिपस्टिक ये बिल्कुल ही ज्यादा लाइट वेट है आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके लिप्स पे लिपस्टिक लगी हुई है पता ही नहीं चलता है नाउ इफ़ यू आर समवन जिसको कि रेड्स और पिंक्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते लाइक दैट चटैक कलर्स यू वॉन्ट समथिंग ऑन द ब्राउन और साइड तो मेरे पास आपके लिए एकदम परफेक्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है वो है ब्यूटी की मैट कैट लिप क्रेन ये एक न्यू लॉन्च है एंड दिस वन इज इन द शेड 18 वाइन रेड नाउ अगेन दिस इज अ वेरी वेरी अफोर्डेबल लिपस्टिक और ये ऐसा टाइप से है एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक नाउ इसका कलर बोलता है कि वाइन रेड है बट ये ना मतलब रेड बोल लो कि एकदम डार्क ब्राउन के इसमें टोन्स है एकदम ब्राउन ही लगता है विथ स्लाइट हिन्स ऑफ रेड तो काफी ज्यादा ये कलर सुंदर लगता है मुझे बहुत 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 ज्यादा ये कलर पसंद आया अ कलर जो कि मैं पे पहन सकती हूं ये ड्राई डाउन हो जाती है एप से ल्यूटली मैट चलो जी तो ये नेक्स्ट शेड अगेन पिंक पर्पल टाइप में कलर है और ये मामा अर्थ की लिपस्टिक है मामा अर्थस फेदेलाइट लिक्विड लिपस्टिक इन देड जीरो सेवन पिंक ऑर्किड एंड इसका कलर मतलब नाम से ही पता चल रहा है तो मेरे पास ये मिनी वर्जन में है इसका मेरे पे फुल साइज़ भी है तो ये मिनी वर्जन और फुल साइज दोनों ही काफ़ी अफोर्डेबल हैं तो आप मिनी साइज़ ले सकते हो टू तो सी अगर आपको पसंद आ रहा है शेड की नहीं एंड पसंद आ जाता है तो फिर आप इसका फुल साइज ले सकते हो तो आप इसका शेड देखो तो ये एकदम क्लासिक पिंक कलर नहीं है इसमें पर्पल के अंडरटोन्स हैं सो तो इट इज मोर ऑन द पर्पलिश साइड तो ये इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है Uh, मतलब अगर आप कलर थ्योरी के हिसाब से देखो तो जो डीपर ब्राउन और स्किन टोन्स होते हैं ना उन पे पर्पल मोर ऑफ पिंक लगता है सो दिस विल बी योर परफेक्ट बाबी शेड बहुत ही सुंदर कलर है एंड इसका जो नाम है ना वो बिल्कुल डिफाइन करता है इस लिपस्टिक को फेदर लाइट लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा कि ये लिपस्टिक आपके लिप्स पे है कि नहीं है अगेन दिस वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी ये उनकी एच मैट लिपस्टिक की रेंज से है एंड द शेड इज ट्वेंटी टू ब्रांड हेरिंगटन एंड ये शेड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है नाउ इट डज नॉट स्क्रीम फेस्टिव दैट मच मतलब इसको आप विदाउट एनी फेस्टिव सीजन भी यूज़ कर सकते हो इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ शेड बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल शेड है इसको आप किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हो एंड वेरी प्रिटी इट लुक्स विद बोल्ड आइज ऑल्सो सटल आइज़ ऑल्सो दिस लुक्स वेरी वेरी प्रिटी तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा मल्टी फंक्शनल इफ़ आई मे से सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है एंड इट इज़ लाइक वेरी चॉकलेटी मॉवी काइंड ऑफ अ शेड एंड ये वाला शेड सारे स्किन टोन्स पे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा डीपर स्किन के टोअर्ड ये थोड़ा सा न्यूड लगने लगेगा सो so, अगर आप फेस्टिव सीजन में एकदम ऐसे चटाक पिंक्स एंड रेड्स एंड डार्क ब्राउन्स वगैरह नहीं पहनना चाहते हो समथिंग ऑन द सटलर साइड तो आप इस वाले को ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो इसका जो शेड और अंडर टोन्स वगैरह है ये सारे इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है सो so, अब so, आते हैं मेरे फेवरेट फेस्टिव कॉम्बो की टूवर्ड्स अभी इसको मैं कॉम्बो में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये दोनों मुझे ना साथ में लगाने को काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड बिकॉज़ ये बुलेट लिप्स कह रहा हो तो ओवरफ्लो हो जाती है कभी कभी मैं ढंग से नहीं लगा पाती I've started using lip liners. तो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग लिप लाइनर्स ब्यूटी का टू इन वन लिप लाइनर एंड लिप फिलर है इन द शेड टेन क्लियर रेड एंड द लिपस्टिक विच इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट इज मामा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक इन द शेड जीरो सेवन रूबी रेड नाउ लुक एट द शेड अभी ये वाला रेड शेड ऐसा शेड है ना कि ये सब स्किन टोन्स पे इतना ज़्यादा सुंदर लगने वाला है लाइक इवन द वुड लव दिस कलर एंड द लाइटर स्किन टोन्स पे भी ये बहुत अच्छा लगेगा मीडियम डस्क की सारे स्किन टोन्स पे बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है ऐसा मैंने सुना है कि ये जो मैक का रूबी वू शेड है ना उसका ड्यूप है ड्राइज डाउन सॉफ्ट मैट लाइक एकदम कंप्लीटली मैट नहीं होती है एंड आपके लिप्स पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड लॉन्ग वेयरिंग रहती है चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट लिपस्टिक की ये थोड़ा सा बोल्ड शेड है इफ यू आर समवन जिसको वो टी वी वैम्प वाले टाइप्स वाइप पसंद है एंड लाइक ऑल्सो अगर आपको पसंद है कि सटल ऑन द आईज एंड वेरी लाइक बोल्ड ऑन द लिप्स सम वॉट लाइक मी तो आपको ये वाला शेड बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है अभी ये शुगर किस मजमी नॉट लिक्विड लिपस्टिक है इन द शेड ट्वेंटी फाइव वेरी मालबुरी एंड आई लव दिस शेड मुझे ये वाला शेड बहुत 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 ज़्यादा पसंद है मतलब इट इज़ वेरी वेरी डीप पर्पल विद हल्का हल्का सा ऐसा डार्क बर्गंडी टाइप्स अंडरटोन्स इसके बोल सकते हो मतलब एकदम परफेक्ट बेरी शेड है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है एंड मतलब आपका फोकस आपके लिप्स पे आ जाए ये ऐसा कलर है इनकी काफ़ी सारी और शेड्स भी मुझे पसंद है पर इसको तो मेकअप रिमूवर से निकालना भी एक हैसल हो जाता है तो ये थोड़ी तो सी ड्राइंग हो जाती है लिप्स पे लेकिन मैं इसका भी फिगर आउट कर चुकी हूँ सोल्यूशन अगर आप अच्छे से अपने लिप्स को एक्सपोलियट और लिप मास्क या लिप बाम लगा लो अच्छे से लिपस्टिक लगाने से पाँच दस मिनट पहले एंड उसके बाद आप इस लिपस्टिक को लगाओ तो ये चल जाती है अच्छी खासी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है एंड आई थिंक इन लोगों ने तो अभी स्मजमी नॉट का नया वर्जन निकाल दिया है जो कि ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है और कम ड्राइंग है तो फिर आप लोग वो वाला चेकआउट कर सकते हो इन द शेड ट्वेंटी फाइव वेरी मलबरी अमेजिंग शेड shade. Shade की अगैन ये एक रेड का ही शेड है बट अगर आप ऐसे हो जिसको रेड पसंद है बट एकदम मुझे अभी रूबी रेड दिखाया था ना वैसे चट्टाक रेड कलर नहीं पसंद है यू लाइक मोर ऑफ म्यूटेड रेड्स तो ये मेरा आप लोगों के लिए नेक्स्ट सजेशन होने वाला है दिस इज फ्रॉम मामा अर्थ हाइड्रामैट क्रेन ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक विद आर्गन ऑयल एंड हाइलोरॉनिक एसिड तो ये इसका शेड है बेरी रेड एंड आप देखो ये कितना ज्यादा सुंदर रेड कलर है बिल्कुल ऐसे एकदम इन योर फेस नहीं आ रहा है बहुत ही ज्यादा सटल और टोन डाउन का रेड कलर है बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है अप्लाई करने के बाद इसको तो मैं कभी कभी ऑफिस भी लगा के चले जाती हूँ कुर्तीज़ वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है तो मुझे तो मामा आर्ट के लिपस्टिक के फॉर्मुलेशन एकदम अच्छे लगते हैं एंड दिस पर्टिकुलर शेड इज परफेक्ट फॉर द फेस्टिव सीजन एंड मैं शायद इनको पहले आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ बट क्योंकि ये फेस्टिव सीरीज थी मुझे ये दोनों तो जरूर रखनी थी क्योंकि मुझे पता है मेरे फेस्टिव के जितने भी दिन होंगे उसमें मैं इन्हीं दोनों को सबसे ज्यादा लगाने वाली हूँ दोनों ही शुगर से हैं तो पहली वाली है ये मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक इन द शेड जीरो टू रेड जेपलिन मेरे पास इस वाले लिपस्टिक के दो तीन पीसेस पड़े हुए लाइक एवरीबडी इन माई हाउस यूजेज इट ये वाला काफी ज्यादा सुंदर शेड है आप देखो ये वाला ना रेड बिल्कुल एकदम परफेक्ट प्यूटफुल सा रेड है मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये मेरे लुक को ना एकदम से एलिवेट कर देता है सो मुझे वाला कलर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करना एंड इन फैक्ट ये वाला फॉर्मूलेशन खास करके की वन ऑफ़ द बेस्ट आउट ऑफ टूडेज लॉट ये वाला लिपस्टिक बिल्कुल बुलेट मतलब वैसा कंफर्टेबल रहता है जैसे बुलेट लिपस्टिक्स रहती है लेकिन ये लिक्विड लिपस्टिक्स जैसा लॉन्ग लास्टिंग है मतलब ये हटता ही नहीं है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और जब आप इसको माइसिलो वाटर या अपना नॉर्मल यू नौ, नो धोते टाइम पर हटाओगे तब ये आसानी से हट जाएगा तो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव बट वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड एंड वी आर ऑन टू आर लास्ट लिपस्टिक फॉर टुडे ये एक मरून शेड है एंड दिस इज फ्रॉम द शोग मैट इज हेल क्रे ऑन लिपस्टिक अगेन मेरे को ये फॉर्मलेसन काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बट अगेन वेरी वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी स्मूद एप्लीकेशन तो ये है शेड टेन चेरी डार्लिंग दिस इज अ चेरी रेड कलर वेरी मरूनिश टाइप ऑफ कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरी जितनी भी डीपर स्किन लेडीज़ हैं उनको ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये वाला कलर मतलब फेयर टू मीडियम स्किन पे भी बहुत सुंदर लगेगा बट इवन फ्रॉम मीडियम टू डीपर डस्की स्किन टोन ये वाला कलर बहुत ज़्यादा खिल के आएगा तो ये वाला कलर मुझे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड यस डेफिनेटली चेक दिस वन आउट अगर आपको रेड्स नहीं पसंद मरून ज़्यादा पसंद है तो आपको ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है सो so, यस yes, मैं ये सारी लिपस्टिक्स नीचे लिंक कर दूंगी दीज वर द टेन रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड फॉर यू फॉर द फेस्टिव सीजन आई होप आपको पसंद आई हो मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो में इतने सारे लिप्स वॉचेस करे मैंने बैर फेस फिर मेकअप के साथ एंड मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं इस टाइम पे सो डेफिनेटली गिव सम लव टू दिस वीडियो मैं सारे लिपस्टिक के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया मुझे कॉमेंट में बताना कि आपका फेवरेट कौन सा था एंड येस लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद यर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अगर आपने अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please though and the notification bell right next to it so that every time i upload a new video you get notified now i will see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye